सुंदर भाव आता है। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि मैं एक चीज और स्पष्ट करूं कि आप लोग भगवान शंकर को छुआ कर, कई सारे कथाकार लोग, अभी मैंने पीछे भी एक कथा में सुना था, उसमें टीवी पर आ रहा था और उसमें उस वक्ता ने कहा कि भगवान शंकर का शिव महापुराण को कहने वाले वक्ता को चाहिए कि वो शंकर का ग्रहण ना करें, जो शंकर से दूर रहे। ऐसा लोगों ने भ्रांतियां फैला दी। आप लोग इन भ्रांतियों से बचिए। शंकर का प्रसाद को पाने में कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं है, अपितु भगवान शंकर के प्रसाद को पा करके, तो बड़ा सुंदर भाव दिया गया कि भगवान शंकर के प्रसाद को पा करके व्यक्ति स्वयं में शिव स्वरूप हो जाता। अरे जरा विचार करिए, आप लोग स्वयं में विचार करिए कि शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जो गंगा जल है वो है मृत्यु के उपरांत तो जल जो है मुंह के अंदर डाला ही जाता है, लेकिन जीते जी जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है और जब तक वह कष्ट में रहता है तब तक कहा जाता है कि मरने से पहले उसको भैया पानी पिलाओ, जल गंगा जल पिलाओ। तो जो शंकर भगवान के मस्तक के ऊपर विराजमान जो गंगा जल है, माँ गंगा का स्वरूप वह गंगा जल, उसको पान करके जरा विचार कीजिए, आप लोग स्वयं पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो जब शंकर के भोग लगा हुआ नैवेद्य जो होगा, जो प्रसाद है, उसको पाने में क्या बुराई है। दूसरा, श्रीमद् भगवद गीता में बड़ा सुंदर कहा गया है, जब आपने भगवान को भोग लगाया तो वो क्या बन गया, वो बन गया प्रसाद। क्या बन गया? प्रसाद। तो प्रसाद को क्या है स्थिति, श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है, प्रसाद ए सर्व दुखानाम हानिरस्यो बजायते प्रसन्न चेत सोराशु बुद्धि परियवतिष्ठते। प्रसाद को पा करके व्यक्ति सब दुखों को समाप्त कर देता है प्रसाद, और प्रसन्न चेत सोराशु आत्मा प्रसन्न हो जाता है, बुद्धि परियवतिष्ठते बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है प्रसाद को पाने के बाद। इसलिए प्रसाद में भगवान शंकर के चढ़े हुए किसी भी प्रसाद में नैवेद्य में कोई भेद नहीं है, जहां पर चंड का अधिकार ना हो, जहां पर किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है वहां के में थोड़ा सा भेद रखा गया, बाकी अन्य किसी भी प्रकार के शिवलिंग पर और भगवान शंकर पर चढ़े हुए प्रसाद में कोई भेद नहीं।